माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये नुस्खा, ये ट्रिक इतनी कमाल की है कि इस नुस्खे से आपके 2 वीक्स यानी कि 2 हफ्तों में आपके बाल इतने लंबे घने हो जाएंगे कि आप दंग रह जाओगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इतनी इफ़ेक्टिव रेमेडी है, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बालों की ग्रोथ रुक चुकी है, तो इसके यूज़ से आपके न्यू हेयर आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके हेयर फॉल भी नहीं होगा, आपके बालों का टूटना बंद हो जाएगा, आपके पतले बाल मोटे और घने हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं इस नुस्खे को, इस ट्रिक का यूज़ करके अपने बालों पे अप्लाई करके मैंने 4 इंच तक अपने बालों की लंबाई बढ़ाई है। मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी और इस रेमेडी से मेरे हेयर फॉल भी होना कम हो चुका है। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा 1 अनियन, 1 प्याज। प्याज को आपको छिलके के साथ ही मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है, फिर इसे छानकर इसका रस निकाल लीजिए। देन फिर आपको लेना होगा एलोवेरा जेल, 1 बॉल में 2 चम्मच आप एलोवेरा जेल ले लीजिए। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा है तो फिर इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है, क्योंकि फ्रेश एलोवेरा जेल बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है हमारे हेयर के लिए। यहाँ मेरे पास रेडीमेड एलोवेरा है तो मैं इसका ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको फ्रेश एलोवेरा मिल जाता है तो आप उसका यूज़ कर सकती हैं। अब मैंने यहाँ पे प्याज को ग्राइंड करके इसका रस निकाल लिया है। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि आपको प्याज को छिलके के साथ ही मिक्सर में ग्राइंड करना है और फिर इसे छान लेना है। अब इसको एलोवेरा में थोड़ा थोड़ा ऐड करके मिक्स करते जाएंगे। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक रखनी है, लाइक अ सीरम। इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। सो नाउ इट्स परफेक्ट। अब इसमें ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल आपको 3 चम्मच इसमें ऐड करना है। नारियल का तेल बालों के लिए नंबर 1 ऑयल होता है और ये सभी के घर में अवेलेबल रहता है। देन फिर इसमें ऐड करेंगे कैस्टर ऑयल, R&D का तेल इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच। फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि कैस्टर ऑयल बालों की ग्रोथ के लिए बेस्ट ऑयल है। ये बालों को मोटा और घना करता है, बालों को झड़ने टूटने से रोकता है। देन फिर आपको लास्ट में इसमें ऐड करना होगा 5 ड्रॉप्स रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की। अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकती हैं। अब इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। प्याज के एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बालों को टूटने झड़ने से रोकते हैं, डैंड्रफ को दूर करता है, इसमें मौजूद सल्फर हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करता है, बालों की लंबाई तेज़ी के साथ बढ़ने लग जाती है एंड आपके न्यू हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस रेमेडी को मैं इसकी हेल्प से अप्लाई करूँगी। अगर आपके पास ड्रॉपर है तो आप ड्रॉपर की हेल्प से इसे लगा सकते हैं। ये आपकी बालों की जड़ों में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा एंड ये आपके बालों को टूटने झड़ने से रोकेगा, गंजापन दूर करेगा, नए बाल आने में मदद करेगा, आपके बालों को लंबा मोटा घना बनाएगा। 1 घंटे तक इसे लगा रहने दीजिए, फिर माइल्ड शैम्पू के साथ अपना हेयर वॉश कर लीजिए। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे रेमेडीज होती हैं बालों को लंबा करने के लिए। अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी रेमेडी यूज़ करें, फ्रेंड्स मेरे कहने से सिर्फ और सिर्फ आप इस रेमेडी को यूज़ करती हैं तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके हेयर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।